ये मेरी पहली मूवी है, एज अ प्रोड्यूसर मैं करने जा रही हूँ। इसके पहले एज एन आर्टिस्ट थी मैं, एज अ राइटर भी, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर मैं आज अपनी मूवी करने जा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है, और चाहूँगी मेरी मूवी हिट हो और अच्छे से ये शूट हो और सारे ऑडियंस से सराहे। और भोजपुरी के इस क्षेत्र में जहाँ तक कहते हैं लोग कि वल्गैरिटी नाम की चीज़ है, भोजपुरी में जल्दी कोई काम नहीं करते हैं और मूवी कोई खास नहीं होती, जैसे गंदगी बहुत होती है, गंदगी बहुत होती है, ये हो गाने बहुत उस तरह के होते हैं, वल्गैर होती है, वल्गैरिटीज़ होती है। लेकिन इस मूवी में ये है कि गाने बहुत ही अच्छे हैं, सुपर हिट, और आइटम सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बखूबी से निभाया गया है, और मूवी कॉमेडी मूवी है। जी, बात यही है। तो आपने क्या इसकी स्टोरी भी मतलब दिखाई है? नहीं, स्टोरी ये हमारे राइटर हैं, उन्होंने किया है अपना कहानी, लेकिन कहानी बहुत अच्छी कॉमेडी, और अब देखने पर समझ में आएगा ऑडियंस को। जी, फिल्म की डिटेल तो मेरी, नाम आपको मैं डायरेक्टर साहब से आप बात कीजिए। और हाँ, इस वैसे भी हम लोग प्रोडक्शन वन करके हम लोगों ने नाम रखा है इसका, मतलब मूवी का प्रोडक्शन वन नाम दिया है, और आगे जैसा है अच्छा ही है। बात कीजिए स्टार कास्ट की, तो किस किस को मतलब? सारे फ्रेशर्स हैं, नए लुक्स लिया हम लोगों ने, लड़के और लड़के सारे नए हैं। और म्यूज़िक की बात की जाए तो किस तरह का म्यूज़िक, मतलब कौन कौन से सिंगर? फिलहाल राजेश राठौर जी इसको कंपोज किए, मतलब कंपोजिशन है गाने की, अच्छी कंपोजिशन किया है, गाने अच्छे हैं सारे, और डिटेल्स है तो मूवी शूट हो जाए फिर देखिए कैसा। इससे पहले आपने क्या किया? इसके पहले मैं एक्टिंग करती थी और राइटिंग भी किया है, एक्टिंग राइटिंग प्लस एज अ प्रोड्यूसर उतर रही हूँ। एक्टिंग देखते जी, एक्टिंग और राइटिंग के बाद आपने प्रोड्यूसर ही बनना कुछ सपना ख्वाहिश थी वही करनी। और इस फिल्म की मतलब कहाँ कहाँ पर शूटिंग देखते हैं? ये बनारस प्रतापगढ़ इन सब जगह पर। कब तक फ्लोर पे चलेगी फिल्म? जल्दी। फिल्म के डायरेक्टर हैं तो ज़्यादातर चीज़ें आपके कंधों पे, बताइए इस फिल्म के बारे में। फिल्म तो एक्चुअली चार लड़के और लड़कियों की कहानी है, और भोजपुरी में जैसे साफ सुथरी कॉमेडी देखने को नहीं मिल रही होगी आपको। इट्स अ वेरी क्लीन एंड नीट कॉमेडी, इट्स इंटेलेक्चुअल कॉमेडी, चार लड़कियों पर है, आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा। बाकी हम कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, जो मैसेज हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जी, और फिल्म के नाम की बात की जाए तो नाम डिसाइड? नॉट येट एक्चुअली, क्योंकि हमारे दो तीन टाइटल पर काम चल रहा है, तो विल लेट यू नो एंड हमारा हो जाएगा डिसाइड, तो आपको बताया जाएगा। म्यूज़िक बहुत कह सकते हैं क्लासी म्यूज़िक है, यानी कि अगर उसमें कोई आइटम सॉन्ग भी है तो उसको कोई भी गा सकता है और कोई भी डांस कर सकता है, यानी कुछ यंग या बड़े हैं सारे लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सुपर नीट एंड क्लीन म्यूज़िक है। जी, क्योंकि बहुत सारी पिक्चरें मंदिर तो होती है लेकिन वो पढ़ने तक जाते हैं डांस हो जाती है, आपको अपनी इस फिल्म से कितनी उम्मीद है? मुझे तो 100% उम्मीद है, और मेरा ये है कि अब आज से शुरू हुआ है तो अब तभी दम लूँ जब भी पर्दे पे आ जाए और आप ऐसे मेरे सामने वापस खड़े हो। ये कहानी बहुत ही यूनिक है, कहाँ देखना मुझे? मेरा नाम जयशंकर प्रसाद है, मैं ये इस फिल्म का गीत और स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, और ये बहुत ही अलग तरह की कहानी है जो भोजपुरी फिल्मों में अब तक देखने को नहीं मिला था, एंड ये एक यूनिक सब्जेक्ट है, और ऐसा सब्जेक्ट होगा जो पूरे परिवार के साथ आप भोजपुरी फिल्म देख सकेंगे। मतलब एक तरह की पारिवारिक फिल्म, पारिवारिक फिल्म होगी, और हमने अश्लीलता को नहीं, इसमें मसाला नहीं बनाया है, हमने जो सही मायने में ह्यूमर है, जो कॉमेडी है, उसको बाहर लाने की कोशिश की है। मतलब कहानियाँ तो सभी लगभग एक फिल्मी कहानी है, तो फिल्म की तरह ही है, लेकिन ये कहानी एक उन चार लड़कों की ज़िंदगी के बारे में है कि जो किस तरह से अपने गांव, समाज और प्यार के बारे में, ज़िंदगी के बारे में
ये करते हैं, कैसा एक एक बड़ा ही रोमांचक अनुभव है ये कहानी उनकी। जी, जैसे हर कहानी में एक अच्छा डायलॉग होता है जो फेमस होता है, इस कहानी का कौन सा डायलॉग? एक्चुअली मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, जैसे ही आप देखेंगे या हमारा टेलर आएगा आप जरूर इंजॉय करेंगे, वही आपको लगेगा। इस गाने हम लोग ने मतलब इंट्रोडक्शन ये है, हम दोनों का नाम ही राज है, राज है, और ये जो है टू राज के नाम से जो है दोनों का नाम जाएगा। राजेश जी, राजेश जी जो है पिछले 40 साल से इंडस्ट्री में है, ये समझे ने सपोर्ट किया है। अभी फर्स्ट गाना हम लोगों का, कोशिश की है कि लोगों को पसंद आए। जी जी जी। म्यूजिक तो बस आजकल यूनिवर्सल है, जैसे अभी अभी हनी सिंह और ज़्यादा जो मूड चल रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा भोजपुरी में कुछ थोड़ा नया पर आने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अभी तो इसमें गाना है, इसमें हम बानी लॉलीपॉप आइटम सॉन्ग, आइटम सॉन्ग है ये किस हम बानी लॉलीपॉप अरे रस से चपा चप चप चप, उसी साइज का कुछ है। बानी सिस्टम मुहूर्त नहीं है, ये गाने की रिकॉर्डिंग है। मुहूर्त तो इसका पिक्चर का एक्चुअल में जब ये शूट पे जाएगी फ्लोर पर, उससे पहले मुहूर्त होगा। उम्मीद तो खैर अपने बच्चे से हर कोई रखता है कि बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा, पर लेकिन रिजल्ट क्या देता है बाद में पता चलेगा। मालिक से बड़ा और कोई नहीं, जो मालिक जैसा होगा। छः गाने नहीं, एक होली का सॉन्ग है इसके अंदर, एक सैड सॉन्ग है, एक इसके अंदर जैसे गोद भराई का गाना होता है ना, फैमिली गाना जो होता है उस टाइप का गाना है, जैसे फैमिली में गाया जाता है। और मेरे उससे उम्मीद है कि गाना वो रेगुलर जो है शादी बरातों में बजा करें। फ्लोर पे ये जून के लास्ट में, जुलाई फर्स्ट में चली जाएगी। बस पब्लिक से क्या कहना, पब्लिक हमसे ज़्यादा समझदार है। हम जैसे बहुत से लोग आते हैं पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन पब्लिक जो अच्छा समझेगी उसी को एक्सेप्ट करती है। पब्लिक के दिमाग में जबरदस्ती कोई चीज़ घुसा ही नहीं जा सकती। बस वही देखिए फिल्म और म्यूजिक के ऊपर तो खैर सब जिम्मेदार होती है, जो अच्छा हो बस मालिक से यही प्रार्थना। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ पहुँचे भाई? परमिशन दी नहीं अब तक तो मैं वो नहीं कर सकती। मेरा नाम गौरी है, इससे पहले भी मैं दो मूवी कर चुकी हूँ, मराठी भी और बहुत सारी सीरियल में भी कर चुकी हूँ काम कोरियोग्राफर का। तो अभी सर ने बुलाया मुझको, तो हमारी कुछ मीटिंग हुई थी गाने के ऊपर। तो गाना किस तरीके से है, भोजपुर में आई थिंक सो फर्स्ट है कि जिसमें थोड़ा अलग और कॉमेडियन टाइप का ये मूवी है, तो इसमें सॉन्ग भी थोड़े अलग है। तो मतलब जो नॉर्मली लोकल भोजपुरी में होते हैं उस टाइप की कोरियोग्राफी इसमें नहीं होगी, ऐसे मैं आपको कहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट आई है। इससे पहले भी कर चुके हैं लेकिन थोड़ा अलग है ना ये, तो मतलब टोटल बॉलीवुड स्टाइल का थोड़ा ये कोरियोग्राफी जाएगा। मतलब ये इतना ही डिफिकल्ट है जितना बॉलीवुड में हम डांस करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो डांसर भी उस लेवल की हम ढूंढ रहे हैं। ऑलमोस्ट आज बहुत सारे डांसर्स को बुलाया है, तो अभी लीड के लिए भी हम ढूंढ रहे हैं डांसर्स। बैक डांसर्स तो वैसे भी आ जाएंगे, तो अभी लीड के लिए तो हम ढूंढ रहे हैं, वैसे अभी मिली नहीं है, मिल जाएगी तो हो जाएगा। सिचुएशन आइटम सॉन्ग इंदू जी आ गए। अंतरे यहाँ से शुरू होता है, ये मुखड़ा हो गया।
लॉलीपॉप। इंदु जी, आज फिल्म का मुहूर्त भी हुआ है, सॉन्ग रिकॉर्डिंग है, आपसे सुनना चाहेंगे कौन से गाने की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो? अभी आइटम बा, एकदम झकास आइटम, और जगह वो आइटम के नाम बा हम बानी लॉलीपॉप। सुन के बहुत अच्छा लागल और हमारा उम्मीद बा, विश्वास बा, हमार हर गाना जैसन दर्शकन के बहुत अच्छा लगेला हमेशा, तो इहो गाना दर्शकन के बहुत अच्छा लगी, ये हमारा विश्वास बा। दो लाइनें गा के बता दीजिए। हाँ, अभी हम सुन ले बानी, लेकिन हम गा के बताए एक दो लाइन। हम बानी लॉलीपॉप, हम रस से चपा चप, हमारे नारा 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 नारा। ये तो धुन बा, लाइन कुछ हटके बा, लेकिन अभी सस्पेंस रही। पूरा गाना जब रिकॉर्ड होके जब दर्शकन के सामने आई तो ओकर मजा ही अलग हुई। जी, गाने को आप काफी करेक्शन से कर रहे थे, मतलब आप वल्गैरिटी से दूर। हाँ, मैं इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि क्या होता है अभी बहुत ऐसे गाने, जब मैं स्टूडियो में जाती हूँ गाने के लिए तो भोजपुरी में कहा, थोड़ा बहुत भोजपुरी आवेला तो वहाँ देखे कि मिलेला कि बहुत ऐसा शब्द जे कि हमरा खुद अच्छा ना लगेला, तो वहीजा हम कहे ले कि अगर हो सके तो रुआ गीतकार से हम कहे ले कि रुआ लाइन चेंज करी, कहे कि अभी बहुत ज़्यादा सेंसर बोर्ड में, सेंसर बोर्ड की पूरा दर्शकन के भी अच्छा ना लगेला कि कोई शब्द खराब लागो, सारा ऑब्जेक्शन सिंगर पे आवेला स्टूडियो से लेकर बाहर तक, तो इस सिंगर के झेले के पड़ेला। हमरा सबके भोजपुरी के एक एक शब्द मालूम बा, छुपल नहीं खे, तो हम ध्यान देवे ली। जी, ये तो बात हुई आइटम सॉन्ग, इसके अलावा कौन कौन से गाने आप गाने वाले हैं? अभी तो शुरुआत बा, धीरे धीरे एक गाना, दो गाना, तीन गाना, कोनो फिल्म में चारों गाना होला, कोनो फिल्म में पूरा गाना होला, आठों गाना हम ही गावे ली हर मूड के। आई दर्शकन लोग से है कहे चाहब कि हमार भी नसीब अच्छा बा कि अब तक जौना फिल्म में हम गौले बानी एक आइटम ना कि हाँ एक आइटम हिंदू सोनाली सिर्फ आइटम गावेली ना, हीरोइन खातिर हम मेलोडी भी गावेली, सैड सॉन्ग होला वो गावेली, आइटम गावेली आइटम जैसन, और हर तरह के रोमांटिक सॉन्ग हीरो हीरोइन के खातिर वो सब गाना हम गावेला, पब्लिक के बहुत पसंद आवेला। अभी तो अभी एक फिल्म आयल रहे बलमा बिहार वाला, वो गाना अभी इतना हिट भइल बिहार यूपी में, आप अगर जाएब यूपी बिहार तो सुने के मिली कि हीरो को हीरो बड़े लेकिन आवाज हमर बा, वो हीरोइन बन के डांस करे लें ओकरा हम गौले बने, वो गाना बहुत हिट बा, तो दर्शकन के बहुत प्यार हमरा मिलल और उम्मीद बा कि हमेशा ऐसे मिली। जी, क्योंकि आपके इतने सारे फैंस हैं, तो आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे इसके? बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसे प्यार करें, ऐसे मेरी आवाज़ को सुने, मेरे गाने सुने, पसंद करें, और जहाँ लगे कि गाना थोड़ा सा इधर उधर है तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।